गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 3 का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है राजनीतिक प्रतियोगिता से। तो देखिए, स्वतंत्रता जैसे ही हमने पाई उसके बाद हर कोई इस बात से सहमत था कि भारत का विकास सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ साथ आर्थिक विकास से कैसे होगा। मतलब हमारे बाद जब हम स्वतंत्र हो गए थे तो भारत के पास सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज थी, जिस चीज पे हमें डिस्कशन करना था, वो ये था कि हम हमारे देश का विकास कैसे करें। तो हमने सोचा न्याय के साथ आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाए और सरकार की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। लेकिन इस पर असहमति थी, क्योंकि हम ये चाहते थे कि भारत के अंदर अमीर बहुत अमीर ना हो और गरीब बहुत गरीब ना हो। जो विकास हो वो सबके हिसाब से हो, सब वर्गों को अपना अपना हित के अनुसार हो। तो देखिए, अगला इसमें प्लान आता है। तो इस प्लान को सही करने के लिए हमने एक योजना बनाई, इसको कहा गया बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या है? विभिन्न मतभेद हुए काफी ज्यादा, लेकिन एक बिंदु पर एक आम सहमति थी कि विकास को निजी क्षेत्रों पर नहीं छोड़ा जा सकता था। मतलब हमें सब कुछ प्राइवेटाइजेशन नहीं करना। तो सरकार ने क्या किया, इसके लिए एक डिजाइन किया, विकास की योजना तैयार की, जिसके लिए हमें उसकी आवश्यकता पड़ी। 1944 में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने बॉम्बे प्लान के रूप में एक देश के लिए, हमारे देश में एक नया मसौदा तैयार किया। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की अगर स्थापना भारत में अच्छी करनी है तो बॉम्बे प्लान बनाना पड़ेगा, प्रारंभिक पहल। अगला टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं एवं भारतीय कृषि। तो देखिए, भारत जब आजाद हो गया उसके बाद भारत का विकास किस प्रकार किया जाए, तो इसके लिए सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा तैयार किया गया। दिसंबर 1951 में इसे जारी किया गया, जिससे देश में बहुत ज्यादा उत्साह पैदा किया। तो देखिए, 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के साथ भी उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया था। 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक। इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्रों को संबोधित किया था। मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो दिया गया कृषि क्षेत्र पर, जिसमें बांध और सिंचाई में निवेश भी शामिल था। जो अगला था तेजी से उद्योगीकरण, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था। ये पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में इन जैसे अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की द्वारा एक टीम द्वारा तैयार किया गया था। तो देखिए, आप देख सकते हैं पीसी महालनोबिस की पिक दिखा रखी है, ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स भी कहे जाते हैं। तो देखिए, थर्ड चैप्टर जो था इसके अंदर यही था सारा, कि कैसे पंचवर्षीय योजनाएं आई और भारत को लिए कैसे एक इन्होंने बेहतरीन काम किया। तो चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे बात कर लेते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट, बॉम्बे प्लान क्या था। तो देखिए, 1944 में जो बड़े उद्योगपति थे, इनका एक वर्ग एकजुट हुआ। देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया, इसे बॉम्बे प्लान कहा गया। ये चाहते थे कि राज्य औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेशों में बड़ी पहल करे। दूसरा क्वेश्चन, पीसी महालनोबिस कौन थे। तो देखिए, पीसी महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1931 के संस्थापक थे। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य वास्तुकार थे। इन्होंने तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की में सक्रिय भूमिका का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी और विकास के समाजवादी मॉडल के बीच अंतर बताइए। तो देखिए, पूंजीवादी जो आर्थिक मॉडल था वो निःशुल्क बाजार की स्थिति को अनुमति देता है, और जो समाजवादी मॉडल होता है वो अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत अर्थात आर्थिक नियोजन के तत्वों को शामिल करता है, जिसका उपयोग आर्थिक परिणाम और अवसरों की समानता के प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य के बीच अंतर लिखिए। तो देखिए, इनके नीचे कुछ अंतर दिए गए हैं। जो पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ये मुख्य रूप से कृषि पर केंद्रित थी, और जो द्वितीय थी, ये औद्योगिक क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण थी। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी, इसने सर्वांगीण संतुलित विकास शुरू किया कि विकास सभी स्तर में होना चाहिए और ये आय के स्तर में भी वृद्धि को सुनिश्चित करेगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि पर 22.6% आवंटन किया गया, जबकि दूसरी योजना में समाज के समाजवादी पैटर्न के लक्ष्य को दिखाया गया। इसमें केवल 19.7% आवंटित किया गया सामाजिक सेवाओं पर। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसमें कृषि पर 15%, जबकि सिंचाई और खाद नियंत्रण पर 17% आवंटित किया गया।
जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि पर केवल 11.8% और सिंचाई और खाद नियंत्रण पर 10% आवंटित किया गया। देखिए अगला क्वेश्चन और लास्ट, हरित क्रांति के कोई 4 परिणाम बताइए। तो देखिए हरित क्रांति के 2 गुण थे। इस क्रांति को शुरू करने के बाद भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की। गरीब किसानों को इस क्रांति से काफी लाभ मिला। इसके कारण जो पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य है ये अधिक विकसित हुए और यहाँ के जीवन स्तर में सुधार हुआ। इसके नकारात्मक परिणाम ये हुए कि इस क्रांति ने गरीब किसान और अमीर लोगों के बीच एक खाई बना दी। जमींदारों द्वारा गरीब किसानों के साथ भेदभाव और शोषण एक व्यापक अभ्यास बन गया। कुछ राजनीतिक दलों ने भी इस पर राजनीति शुरू कर दी और इस क्रांति ने बिचौलियों की शक्ति में अधिक वृद्धि की, जिन्होंने गरीब किसानों और संपन्न जमींदारों के बीच मध्यस्थता के रूप में काम किया। तो गाइज ये था पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3, नियोजित विकास की राजनीति। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 4 के बारे में। तो मैं आपको एक जो बात हमेशा कहता हूँ फिर कहना चाहूंगा, एनसीईआरटी बुक को अच्छे से रीड कीजिए, वो सबसे बेस्ट होती है, उनसे आप काफी अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।